ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सूजी की बर्फी बना के रेडी कर दिया है, जिसको हम लोग रवा बोलते हैं, सूजी भी बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितने टेस्टी हमारी मिठाई बनी है। यहाँ पे हमने काजू भी गार्निश कर दिया है इसको, और हमने टेस्टी बना दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी है मिठाई बनी है दोस्तों, टेस्टी है। तो दोस्तों, जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है, उतने ही खाने में भी टेस्टी है। बहुत कम सामग्री में बनती है, तुरंत बनने वाली मिठाई है। तो आप लोगों को हम तोड़ के दिखा दें, ये देखिए इस तरह आप लोगों को हम तोड़ के मिठाई दिखा दें। ये देखिए दोस्तों, तो इसको एक बार बना के जरूर ट्राई करिए दोस्तों। आप लोगों को हम बना के दिखाते हैं किस तरह हमने मिठाई बना के रेडी किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहें दोस्तों। तो जय माँ अम्बे ब्लिस कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं कौन सी रेसिपी हम बनाएंगे। यहाँ पे हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मीठे में। तो कौन सी मिठाई हम बनाएंगे आप लोग देखते जाइए। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है, बहुत कम सामग्री में हम मिठाई बना के रेडी करेंगे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो में लगे रहना, लाइक कमेंट कर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे हमने सूजी लिया है, ये देखिए, यहाँ पे हमारी चीनी है, मिल्क पाउडर है, गरी का बुरादा है, 2 चम्मच हमारा घी है, यहाँ पे हमारा सारा मेवा है, काजू बादाम पिस्ता सारी चीजें हैं दोस्तों। इसमें किशमिश है, तो यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया, सूखा नारियल है। ये सारा मेवा हम इसे में मिठाई में हम डालेंगे। यहाँ पे हमने जो घी लिया है तो इसी कढ़ाई में हम डालेंगे। तो आप लोगों से हमने पहले ही बता दिया कि हम बहुत कम सामग्री में मिठाई बना के रेडी करेंगे, खाने में भी टेस्टी और देखने में तो बहुत लाजवाब लगेगा दोस्तों। आप लोग देखते जाइए किस तरह हम बनाएंगे। इस सूजी को हम पहले भूनेंगे। यहाँ पे हमारी सूजी पक गई है, ये देखिए, इसको रवा बोलते हैं। इसको हम निकालेंगे कटोरे में, चीनी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, चीनी गल जाए। यहाँ पे चीनी हमारी गल गई है, तो अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मिल्क पाउडर लिया है। ये हमने जो मेवा लिया है इसको डाल देंगे इसे। इसको हम पका लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप दूध डाल के इसकी मिठाई बना सकते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, चाशनी हमारी गाढ़ी हो जाए तब तक हम पकाएंगे। इसमें हम 2 चम्मच बड़ा गरी का जो बुरादा हमने लिया उसको डाल देंगे। यहाँ पे हमने जो ये सारी चीजें डाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मिठाई में। तो इसको हम अभी और थोड़ा सा पकाएंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर, इसलिए कि मिठाई में हमारी अच्छा कलर आए। इसको हम कलरदार मिठाई बना के रेडी करेंगे। यहाँ पे चाशनी हमारी गाढ़ी हो गई है, तो इसको हम ज्यादा नहीं चाशनी को गाढ़ा करेंगे, इसलिए कि मिठाई हमारी जो ज्यादा काली न होने पाए, नरम मिठाई बनाएंगे, उनका मुलाम रहे। तो अब इसमें हम डाल देंगे जो सूजी भून के रखा है। करें सूजी को हम अच्छी तरह से मिला देंगे, देखिए इसमें अच्छी तरह से चाशनी मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मिठाई का हमारा मिश्रण बन के रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसको गैस को बंद करेंगे, थोड़ी देर हम इसको ठंडा करेंगे। यहाँ पे हमने मिठाई का मिश्रण निकाल लिया है, तो अब इसको हम मिठाई की शेप देंगे इस तरह।
ये देखिए कितने प्यारी हमारी मिठाई बनके रेडी हुई है। तो अब इसको हम यहाँ पे हमने गरी का थोड़ा सा बुरादा लिया है, तो इसमें हम अरे मिठाई में हमने गरी का बुरादा गायनेस कर दिया है। तो इसी तरह हम सारी मिठाई बना के रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने मिठाई को बना लिया है, देखिए अब इसको हम निकाल के दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी सूजी की मिठाई बन के रेडी हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी मिठाई हमारी बनी है। जितने देखने में अच्छी लग रही है, उतने ही खाने में टेस्टी है दोस्तों। तो बहुत कम सामग्री में हमने बना के रेडी किया है इसको। तो फटाफट बनने वाली मिठाई हमारी सूजी की है, इसको एक बार बना के जरूर खाइए दोस्तों। इसमें बहुत कम सामग्री लगती है दोस्तों और खाने में बहुत भी टेस्टी है। आप लोग इसको फटाफट बना के खा सकते हैं, मेहमानों को खिला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने मिठाई बना के रेडी कर दिया है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।